सिरसा 23 की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये जुगाड़ तैयार किया है यहाँ के किसानों ने। आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर व ट्राली की चार बड़ी ट्यूबे हैं जिनके नीचे ये इन्होंने बांस का जो सरकंडा है वो एक तरह से बेड तैयार कर दिया है। जो फसलें घग्गर नदी के पानी से जो डूबी हुई हैं उन फसलों की कटाई है ये लोग करेंगे और पूरी जो फसल है उसको काट करके इसके ऊपर ये रखेंगे। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा है और ये थेड़ शहीदा गाँव का इलाका है जहाँ जो किसान हैं उनकी फसलें हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। धान की फसल है जो पकी पकाई फसल थी धान की वो डूब गई थी और यहाँ के किसानों ने ये एक अनोखा जो है एक तरीका है वो निकाल लिया है कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्राली की जो ट्यूब है उनके साथ एक बेड तैयार कर दिया है। ये किसान है पानी में जा करके फसल की कटाई करेंगे और पूरी जो फसल है उसको इस बेड पे है वो रख देंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि किसानों का ये मानना है कि जब तक पानी का स्तर कम होगा तब तक ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अभी भी फसल है उसमें जान है और ये किसान है। अब मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, ये कमाल का दृश्य होगा कि किस तरह से जो किसान हैं आज, बेशक सरकार है किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है लेकिन किसान है किस तरह से अपनी जो फसल है उसको बचाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। एक बेड बनाया गया है उसको दूसरी तरफ से जो किसान है अपनी फसल को जो काट करके इस बेड पे जो है रखेंगे। किस तरह से उन्होंने किसानों ने एक तरह से इसको जो किस्ती टाइप में इसको कह सकते हैं कि किस्ती बना दी है। आप देख रहे हैं कि बेड बना दिया है और इसी बेड के माध्यम से वो है दूसरी फसल तक पहुंचेंगे और जैसे ही उस फसल को काट करके इस बेड पे ये किसान है वो रख देंगे ताकि उस फसल को कुछ स्तर तक जो है उसको बचाया जा सकते। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चार चार फीट पानी है वो है इस धान की फसल में है वो भर गया है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि आप जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ पूरी जो फसल है धान की है वो सारी फसल है वो डूब गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ क्योंकि किसानों की फसल है वो पूरी है घग्गर नदी में है वो डूब गई है और किसानों ने किस तरह से जो है इस जो है कच्ची फसल है खास करके धान की फसल है उसको ही काट करके यहाँ एकत्रित किया हुआ है। और ये किसान है वो फसल कैसे काटते हैं वो तरीका मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्राली की जो ट्यूब है उस पर पूरा बेड तैयार करके ये पिछले कई दिन से चल रहा है इनका काम और अभी भी जो फसल की जो है कटाई है कच्ची फसल है धान की उसकी कटाई है चल रही है। सर क्या नाम आपका? शक्ति सिंह सेगावत जी। तो कौन सा गाँव आपका? तलवाड़ा जी। तलवाड़ा झील जी जी। तो कैसे फसल को कैसे काट रहे हैं आप? फसल देख लो जी आपके सामने चार टूपों का हमने देसी जुगाड़ बनाया है और उसके हिसाब से रख के तैर के जाके पानी के अंदर से निकाल के ला रहे हैं। तो फसल तो ये पूरी तरह से पकी नहीं हुई? नहीं पकी जी, क्या करें मजबूरी है, जितना कुछ हाथ में लगे वही ठीक है, दो दिन में ये सारी नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। ये पानी जैसे जैसे उतरेगा पूरी फसल नष्ट हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तो इस कच्ची फसल को आप यहाँ सुखाएंगे? हाँ जी सुखाएंगे, इसको दो दिन धूप लगाएंगे, कुछ इसमें निकलेगा तो वो ठीक है, नहीं तो फसल तो वैसे हमारी बर्बाद ही है। हाँ जी। तो ये जो आप ये तरीका आप कर रहे हैं तो इसमें पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ रहा है? पैसा क्या करना पड़ा, बहुत मुश्किल से जान अपनी जोखिम में डाल के पानी के अंदर जा रहे हैं सर, क्या करें। सांप गोयरा बिच्छू ये जनावर है जी। आपका क्या नाम है जी? मुख्तार सिंह जी। क्या बता रहे थे आप, क्या है अंदर? सांप हैं, बोले हैं बहुत हैं, पानी इतना पानी आता है। फसल को कैसे बचा रहे हैं? फसल को वो नया तरीका बनाया है, जुगाड़ बनाया है, उससे बचा रहे हैं। ट्राली ट्रैक्टर वो ट्यूब लेकर आए थे उसको बांध कर उसको हवा डालकर और उस पर अपने वो जो अपने दीवारें बनाते हैं मकान बनाते हैं उसकी वो क्या पैड होती है जो उसको लगाकर ऊपर उसका ऊपर पल्ली बिछाकर कोई तिरपाल बिछा देते हैं फिर ऐसे उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एकड़ की फसल है वो आप कितने दिन में काट पाएंगे? भी वो तो आधा एकड़ कटा जाएगा, 20-30 आदमी होंगे तो बाकी तो डूब ही रहा सब। 10,000 रुपए का खर्चा पड़ रहा है सर एकड़ में? एक एकड़ को कटाने में 10,000 रुपए का खर्चा पड़ रहा है सर। हाँ जी, ये मजदूर देखो आप सब बैठे हैं ये काट रहे हैं और इसका 10,000 का हमारा ये चावल नहीं होगा सर। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से किसान है वो घग्गर नदी के जो चपेट में जो फसल आई है उसको काट रहे हैं, किस तरह से किसान है वो जोखिम में अपनी जान जोखिम में डाल करके इस फसल की जो कटाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपए का खर्चा आ रहा है चूंकि फसल है वो पूरी तरह से घग्गर नदी के पानी की चपेट में आ गई है, तब तक पानी सूखेगा तब तक उनकी पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने आपको दिखाया मैंने कि किस तरह से किसान
ट्रैक्टर ट्राली की जो ट्यूब है उस पर एक बेड तैयार करके फसल की कटाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो फसल है वो काटी गई है। किसानों का कहना है कि ये भी संभव नहीं है, देखना ये होगा कि तब तक फसल ये सूखेगी किसानों के हक में कितना पैसा आता है, किसानों के हक में उनकी कितनी फसल है वो बच पाती है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।